सवारी दिखती और गाड़ी साथ आड़ती, इसलिए डूब गई। 50 से ऊपर ही होंगे, इसे कम होने के चांस नहीं है। कब करीब करीब 15-20 लाख हो रही है। राजस्थान के कोटा में आज कुछ लोगों का सफर आखिर मौत का सफर बन गया। कोटा की चंबल नदी में बुधवार सुबह एक नाव डूबने से हुए एक हादसे ने आज कई सवाल खड़े कर दिए। एक पुरानी नाव और उसमें सवार करीब 50 मुसाफिर और साथ ही उन मुसाफिरों के कारवां के साथ उनकी मोटरबाइक्स भी। आखिर वो पुरानी नाव भी इन लोगों का वजन कितना सह पाती और फिर वो पानी के आगोश में समा गई। दरअसल ये पूरा हादसा हुआ कोटा के इटावा के पास। वक्त था सुबह करीब 7:30-8 बजे का जब ये हादसा हुआ और फिर बस चारों तरफ कोहराम मच गया। हादसे की खबर जब करीब रहने वाले लोगों को हुई तो उन्होंने भी उस तरफ दौड़ लगा दी। बचाव का काम शुरू किया गया लेकिन पानी का तेज बहाव कुछ ऐसा था कि करीब एक दर्जन लोगों को पानी में ही अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। पानी में डूबने से जिन लोगों की मौत हुई उनमें अधिकतर गोठड़ा कला के रहने वाले थे। डूबे उनमें सवारियां दिखती और गाड़ी साथ आड़ती, इसलिए डूब गई। पावरफुल नाव थी, बिल्कुल खचाखच भरे हुए थे। 50 से ऊपर ही होंगे, इसे कम होने के चांस नहीं है। कब करीब करीब 15-20 लाख हो रही है। दरअसल ये सभी लोग कमलेश्वर धाम जा रहे थे लेकिन शायद इन्हें भी इस बात की खबर नहीं थी कि एक हादसा उनका इंतजार कर रहा है। बताया तो ये भी जाता है कि नाव की खुद की ही हालत पहले से ठीक नहीं थी और फिर उसमें जरूरत से ज्यादा मुसाफिरों को सफर कराना भारी पड़ गया। हादसे के बाद इलाके के लोगों ने जो मदद की वो तारीफ काबिल रही। यूं तो मदद तो सरकारी भी पहुंची लेकिन उसकी चाल वही लेट लतीफी वाली रही। ये देखिए जांच का विषय है, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इसकी जांच करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी पुलिस और प्रशासन का सारा ध्यान और हमारा ध्यान इस तरफ है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। करीब 14 लोगों के डूबने की आशंका है, उसमें से 5-6 बड़ी तो आ गई है, बाकी भी निकल रही है। SDRF की टीम आ गई, एक्सपर्ट है, गोताखोर भी आ गए हैं, तो वो अंदर जा रहे हैं पानी में घूम के निकालेंगे। आखिरकार कुछ लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी तो किसी पर ऊपर वाले का रहम रहा कि वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी बचा पाए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हादसा वाकई दिल दहला देने वाला रहा। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को जब हादसे की खबर मिली तो उन्होंने भी सरकारी मदद का ऐलान कर दिया और हादसे पर दुख भी जताया। उधर कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हादसे की खबर ली, घटना पर दुख भी जाहिर किया। आखिर तक बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटा रहा और कुछ लोगों को बचा भी लिया गया। सूबे के UDH मंत्री शांति धारीवाल ने भी जिले के अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली और उन्हें लोगों के बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेताओं ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। बहुत दुखद हादसा हुआ है, मेरे ख्याल 7 लोगों की जान उसमें गई है। मैं उन सभी परिजनों को अपनी संवेदना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजन हैं उनकी मदद के लिए पूरा प्रशासन सरकार मदद करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। अब चाहे सरकार ने पूरी मदद की हो, बचाव दल के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम किया हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। आखिर वो कौन होगा जो इस हादसे में मारे गए लोगों की जिम्मेदारी लेगा। जाहिर है कि प्रशासन की लापरवाही भी इस मामले की जिम्मेदार तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।